शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। राज्य के आर्थर रोड जेल के 185 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में राज्य के 17,000 कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की बात राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कही है। कोरोना महामारी ने जब से देश में दस्तक दी है तब से लेकर अब तक सैकड़ों लोगों की कोरोना वायरस इस महामारी से मृत्यु हुई है। कोरोना इस महामारी ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है कि वहाँ दस्तक न दिया हो। महाराष्ट्र के आर्थर रोड जेल परिसर में तकरीबन 185 कैदियों को कोरोना का संक्रमित पाया गया है, जिससे जेल प्रशासन में खलबली सी मची हुई है। कोरोना की चपेट में और भी शहरों के जेल में बंदी कैदी आ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 17,000 कैदियों को पैरोल पर रिहा करने का मन बना लिया गया है। ऐसी जानकारी राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी है। महाराष्ट्र में जितने जेल से उसमें से आर्थर रोड जेल, इसमें करीबन 185 कैदियों को कोरोना का संक्रमण हुआ है, उनके ऊपर इलाज चालू है। लेकिन इस प्रकार का कोरोना का संक्रमण बाकी जो जेल में हमारे कैदी हैं उनको ना हो, उसके लिए महाराष्ट्र शासन ने जो करीबन जो 35,000 कैदी अलग अलग जेल में हैं, उसमें से अंडर ट्रायल 5,000 कैदी, जिनको 7 साल तक सजा हुई है ऐसे 3,000 कैदी, और जिनको 7 साल के ऊपर सजा हुई है ऐसे 9,000 कैदी, ऐसे कुल मिला के 35,000 में से 17,000 कैदियों को टेम्पररी पैरोल देने का निर्णय आज हुआ है। लेकिन इसके तहत जिनके ऊपर गंभीर गुने दाखिल है, जैसे कि रेप का गुना या बैंक फ्रॉड या बाकी आर्थिक घोटाला या मोका या ताड़ा या एमपीआईडी, ऐसे जो गंभीर प्रकार के गुने, इनको छोड़ के 17,000 कैदियों को टेम्पररी रिलीफ देके इनको पैरोल मंजूर किया गया है, ताकि महाराष्ट्र के हरेक जेल में सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन हो और वहाँ कोरोना का संक्रमण ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र शासन ने यह निर्णय लिया। राज्य के आर्थर रोड जेल में 185 कैदियों को कोरोना पॉजिटिव आए हुए हैं। ऐसे में और भी राज्यों के जेलों से कई कैदियों को कोरोना संक्रमित होने के आसार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अब राज्य के कई जेलों से 17,000 कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि कितने जल्दी पैरोल पर से कैदी बाहर आते हैं। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर। बैंक फ्रॉड, रेप, ताड़ा, मकोका, एमपीडीसी, ऐसे गुनाहों में लिप्त सजायाफ्ती को छोड़कर बाकी कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाएगा।